तो यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे रिकॉर्डिंग पे हम भूल गए लगाना तो यहाँ हमने इतना डिस्कशन किया अभी आपके सामने कि आईपी जो है वो एक यूनिक आईडी है किसी भी होस्ट की जनरली वी आर थिंकिंग कि होस्ट का मतलब पीसी होता है बट आज की डेट में किसी का पीछे माइक्रोफोन खुला है उसको बंद कर आज की डेट में फ़ोन हो या आईपी कैमरा हो या कार हो सब के ऊपर आईपी एड्रेस पड़ा है दैट्स वाई ये भी होस्ट होंगे फिर हमने डिस्कशन किया कि आई इंटरनेट ऑफ थिंग्स दो से दो तक डिप्लाई होने की बात की जा रही है जिसमें घर में अगर कोई पेड़ भी लगा होगा उसका पानी अगर सूख जाता है तो वो आपको कॉल कर देगा कि मुझे पानी की ज़रूरत है फिर हमने डिस्कशन किया एक टर्म है आर एफ ये फ्रीली अवेलेबल है एक चिप है जो इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट की जा सकती है हाथ में और उसमें जैसे पेन ड्राइव में सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाली जा सकती है बैंक से पेटीएम के अंदर हम पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं हो जाता है ऐसी वॉलेट के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं तो आपको ना डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत है ना करेंसी की स्कैन करके सारा काम हो सकता है इसी तरीके से हमने बताया कि अभी एम के अल्ट्रा ने ये वाला जो काम था इलीगल तौर पे 1970 में कर दिया था लोगों को किडनैप करके उनके माइंड में चिप लगा दी एंड दैट वाज वॉज सक्सेसफुल प्रोजेक्ट और इसके ऊपर एक मूवी आई थी जिसका नाम होता था कुछ लोगों ने अगर देखी होगी एम ए टी आर आई एक्स कभी सुनी हो तो मैट्रिक्स <स्थाथ> इस चीज को अब लीगल बना दिया जाएगा बात समझ आ रही एक टर्म होता है, हैकिंग एक होती है एथिकल हैकिंग आपके घर का ताला जो आपने बंद किया और चाबी उसकी कहीं गिर गई आप मार्केट में जाओगे कि ताला खोलने वाले को बुला के लाओगे वो ताला आपके सामने तोड़ देगा उसको पुलिस में दे दोगे ताला तोड़ दिया ना उसने और अगर वही बंदा दूसरे दिन ताला तोड़ रहा हो आपके घर का और आप आओ तो क्या करोगे क्यों भाई ऐसी क्या गलती होगी उससे अब वो इलीगल तौर पे तोड़ रहा है हुँ? तो यही काम यहाँ पर ये इलीगल था अब लीगल होगा जो काम यहाँ हो रहा था यानी हमारे जब हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में तो हमारा जो दिमाग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ाया जाता है कि न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है जी सिग्नलिंग पर डिपेंड करता है तो यहाँ पे हम सिग्नलिंग देंगे इसमें दिखाया गया था सिग्नलिंग दिया जा रहा है बंदा ये सोचता है कि मैं इसको सोच रहा हूँ इसी का ही एक नया रूप आपने इलॉन मस्क का नाम सुना होगा सबने आज के डेट में सुना है क्या बनाया उसने अभी माइंड के अंदर चिपका इम्प्लीमेंटेशन समझ एक घंटे का ऑपरेशन है केवल बहुत सारी उसने वैकेंसीज भी निकाली हैं उसको नासा ने भी अपना वो दिया है प्रोजेक्ट जो रॉकेट्स फेल हो जाते हैं उन रॉकेट्स को दोबारा से रिपेयर करके स्पेस में भेजने के लिए है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको आइंस्टाइन के बाद इस वर्ल्ड का आइंस्टाइन बोला जाता है हुं? तो उसने सेंसर्स लगाए दिमाग के अंदर बंदा सोचेगा और कंप्यूटर खुल जाएगा बंदा सोचेगा और टेलीफोन कॉल हो जाएगी तो इस तरह की चीजें आप इस सामने आ रही तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सिर्फ आईपी एड्रेस को यहीं तक रखें तो अब बात खत्म हो गई आज की डेट में रूली बना एनी थिंग दैट वर्कस ऑन आई पी एड्रेस होस्ट का मतलब है डेफिनेशन चेंज हो चुकी है बट हमारी किताबों में एक बी लिखी हुई है एनी थिंग दैट वर्कस ऑन आई पी एड्रेस जो भी चीज़ आईपी पे काम करेगी उसका नाम क्या होगा होस्ट होगा आने वाले टाइम में हम गूगल में सर्च कर सकते हैं वेयर इज़ माय किड्स मेरे बच्चे कहाँ हैं और उसकी आर एफ डाल देंगे तो जिस जिस रास्ते से घूम के जहाँ पर होगा वो तो मैप सारा का सारा दिखा देगा जैसे कि आपकी एट में आज की डेट में फ़ोन अपने फ़ोन को बंद कर दीजिए और पूरी दुनिया में घूम लीजिए और ऑन कीजिए वो आपको बता देगा कहाँ कहाँ घूमे थे बंद होने के बावजूद भी ये टेक्नोलॉजी अभी भी एक्सेस करती है इंसान के ऊपर लग जाएगी तो फिलहाल आईपी एड्रेस का एक इंट्रोडक्शन था कि होता क्या है इसको छोटी चीज ना माना मानी जाए ये इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी जो चल रहा है वर्जन फोर चल रहा है आने वाले टाइम में सिक्स हो जाएगा और सिक्स भी आ चुका है बहुत साल पहले तो इसमें नोट करने के लिए जो पार्ट है इतना पार्ट तो एटलीस्ट नोट करें करें बाकी नोट करें कि ना करें बाकी वीडियो से नोट करें बट इतना पार्ट होना जरूरी है कि एड्रेस एक यूनिक आई डी है बट आज की एट में ऑन वो है नोट कर लिया अभी सबने जितना मैंने हाईलाइट किया आगे चला जाए फिर कोई क्वेश्चन है तो रेज कर सकते हैं yes, अच्छा अब आगे बढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन है कि घर में जिस घर में आप रहते हैं उस घर के लोग आपको नाम से पहचानते हैं आपकी शक्ल से ही पहचान लेते हैं जी भाई शक्ल से ही पहचान सकते हैं नाम से ही पहचान सकते हैं शक्ल का मतलब हो गया हमारी जो बॉडी है नाम हमारा क्या हो गया एक लॉजिकल आईडी हो गया बॉडी हमारी एक फिजिकल आईडी हो गई तो हर एक नेटवर्क डिवाइस के ऊपर दो तरह की आईडी होती है एक होती है लॉजिकल आईडी और दूसरी होती है फिजिकल आईडी हमारी जो फिजिकल आईडी है जिसको हम कह सकते हैं बॉडी हमारी अगर हम अपने घर जाएंगे क्लास लेने के बाद तो क्या बॉडी चेंज हो जाएगी क्या स्कूल जाएंगे कॉलेज जाएंगे ऑफिस जाएंगे तो चेंज हो जाएगी नो तो फिजिकल आईडी चेंज नहीं होती है फिजिकल आईडी को मैक एड्रेस कहा जाता है मैक एड्रेस अड़तालीस फिट का होता है बाइनरी या ये डिवाइस में हम देखेंगे तो बारह करेक्टर का दिखाई देगा ट्वेल्व सी एच ए आर ए सी टी आर करेक्टर का हेक्सा दिखाई देगा हमने नंबर सिस्टम पढ़े कौन कौन से जीरो से नाइन है कौन सा नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम है आज के डेट में बारहवीं क्लास तक हर एक स्कूल में पढ़ा दिया जाते हैं जीरो एंड वन है बाइनरी सिस्टम है, है जी हेक्सा के अंदर क्या होते हैं <coughs> हेक्सा के अंदर जीरो से नाइन तक तो वैसे ही आएगा नुमेरिक और इसके साथ में ए टू एफ भी आएगा एल्फा नुमेरिक हो गया तो अगर हमने दस लिखना हो तो हेक्सा में दस को दस नहीं लिखा जाता ए लिखा जाएगा नौ तक तो वैसे ही लिखा जाएगा डेसिमल में भी और हेक्सा में भी ग्यारह लिखेंगे तो क्या क्या लिखा जाएगा बी बारह के लिए सी तेरह के लिए डी चौदह के लिए ई पंद्रह के लिए एफ हर एक फ़ोन में साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है हर एक कंप्यूटर में तो होता ही होता है वहां जाके हम देख सकते हैं कि क्या ये बात सही है कि नहीं तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं कंप्यूटर में अपने और कैलकुलेटर पर जाते हैं तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग वाले पर आ जाइए अगर मैंने पंद्रह लिखा यहाँ पे ये डेसिमल पे अभी क्लिक है पंद्रह अगर मैंने लिखा तो हेक्सा में कितना दिखाई दे रहा है एफ दिख रहा है एफ आ गया अगर मैंने दस लिखा तो क्या दिखाई देता है ए लेकिन अगर मैं नौ लिखता हूँ तो नौ नौ ही दिखाई देता है बात दस से शुरू होती अगर मैंने चौदह लिखा तो ई आ गया तो ये प्री डिफाइंड रूल है इस इंग्लिश के अंदर छब्बीस लेटर होंगे किसी ने तो ही होगा ना कोई अथॉरिटी तो रही होगी ना इस टाइम प्रो, प्रोटोकॉल सेट किया गया होगा कितने लेटर होंगे कितने नहीं होंगे तो हेक्साडेसिमल के अंदर जीरो से लेके नाइन और ए से लेके एफ में लिखा जाएगा तो हमारा जो डिवाइस का जो मैक एड्रेस होगा हम अपने लैपटॉप में एक वायर लगाते हैं फिजिकल किसी पोर्ट में भाई लैपटॉप की कनेक्टिविटी नेटवर्क से करनी हो तो या तो वायरलेस के थ्रू होगी या फिर तार के थ्रू होगी वायरलेस तो अब आ गया कुछ सालों से पहले तो नहीं था स्टार्टिंग पहले तो तार ही लगते थे तो लैपटॉप की कनेक्टिविटी जब किसी वायर से करोगे लैपटॉप की कनेक्टिविटी जब किसी आप वायर से करोगे तो जब वायर आप यहाँ पे लगाओगे लैपटॉप में तो यहाँ पे किसी कनेक्टर में लगाओगे तो जिस कनेक्टर में आप लगाओगे उसके पीछे क्या होगा एक लैंड कार्ड लगा होगा लैन कार्ड का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क एक कार्ड लगा होगा उस कार्ड का एक नंबर होगा फिजिकल आईडी जिसको क्या बोलेंगे मैक एड्रेस तो ये चेंज नहीं होगा आपका लैपटॉप कहीं पे भी जाए दुनिया के अंदर लेकिन चेंज क्या होगा आपका नाम आपका नाम घर में प्यार का कुछ और हो सकता है दोस्तों में कुछ और हो सकता है ऑफिस में बॉस हो सकते हो कॉलेज में स्टूडेंट हो सकते हो है जी तो लॉजिकल आईडी जो होती है वो आईपी वर्जन फोर है जो कि करंट चल रही है और सिक्स भी शुरू हो चुकी है सालों से आई वर्जन सिक्स दो तरह की लॉजिकल आईडी हो सकती है आपका फोन पे अगर आपने देखा हो सेटिंग में जाके आपके फोन पे भी दो एड्रेस पड़े होते हैं वर्जन फोर का एड्रेस और सिक्स का एड्रेस तो वर्जन फोर जो है ये बत्तीस बिट का होता है वर्जन फोर जो है थर्टी टू बिट्स का होता है और वर्जन सिक्स एक सौ अट्ठाईस बिट्स का होता है वर्जन फोर उन्नीस सौ तिरासी में आया था और वर्जन सिक्स उन्नीस सौ निन्यानवे में आया था नोट करें ऑनलाइन वालों का नोट हो जाए तो प्लीज बता दो। जी सर हो गया। ठीक कुछ लोग डेमो ले रहे होंगे कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो ईच एंड एवरी बिट नोट करें। क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूट के डेमो में और हमारे में डिफरेंस है हम जो पढ़ा रहे हैं वो रियल क्लास दे रहे हैं कल जो क्लास होगी इसके बाद ही क्लास होगी जहां तक पढ़ाया जाएगा अगर हम अपनी मशीन का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस देखना चाहते हैं तो मशीन के सीएमडी पर चले जाएंगे यानी ब्लैक विंडो पे वहाँ जाके लिखेंगे आई पी सी ओ एन एफ आई जी फॉरवर्ड स्लैश ऑल ये हमारा फिजिकल आईडी भी दिखा देगा और लॉजिकल आईडी भी दिखा देगा यहाँ से हम सीएमडी पे गए और यहाँ जाके लिखा हमने आई पी सी ओ एन एफ आई जी फॉरवर्ड स्लैश ऑल इसने ये भी दिखा दिया कि हमारा फिजिकल आईडी क्या है इंटेल का लैन कार्ड लगा हुआ है हमारी मशीन में गीका बिट का ये उसका मैक एड्रेस है हेक्साडेसिमल के अंदर इसमें ज़ीरो से नाइन भी अल्फ़ाबेट हैं और ए टू एफ भी हैं क्योंकि ई मौजूद है यहाँ पे e और हमारी मशीन का आईपी एड्रेस क्या है वो ये है अब हमारा जो डिस्कशन है वो केवल किसके ऊपर है आईपी वर्जन फोर के ऊपर फोर को पढ़ने में हमें तकरीबन पाँच घंटे चाहिए उसके बाद इसके ऊपर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो पढ़ेंगे एक महीने के बाद वाई पी वर्जन सिक्स की शुरुआत की जाएगी आई पी वी फोर के बारे में कंटिन्यू पढ़ेंगे आईपी वर्जन फोर की स्टार्टिंग कब की गई उन्नीस के अंदर तो वर्जन फोर खुद बन गया होगा किसी ने बनाया होगा है जी बनाया होगा ये ऐसी बिग बैंग हो गया और बन गया जैसे चांद सूरज बन गया जैसे लोग पागल लोग कहते हैं है? किसी ने बनाया है ये जमीन आसमान भी किसी ने बनाया है, है जी इसको डिजाइन किसने किया आयना ने आयना की फुल फॉर्म इंटरनेट ए एस एस आई जी ई डी एजाइंड नंबर अथॉरिटी उन्नीस में वर्जन फोर की शुरुआत की गई बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम आयना जो कि कहाँ पर है अमेरिका में मैक्सिमम जो रिसर्च है उसी साइड से इसको मार्केट में सेल आउट किया या मार्केट में फैलाया या मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया ये भी किसने किया ये भी आइना नहीं किया यानी इसको बनाने वाला और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला यही है इसके अंदर कितनी बिट होती है थर्टी टू बिट्स होती हैं और इसके अंदर चार ऑक्टेट होते हैं फोर ऑक्टेट होते हैं और ऑक्टेट का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एट बिट यानी एक ऑक्टेट में कितनी होती है एट बिट्स होती हैं और जो बिट है वो या तो जीरो हो सकती है यानी ऑफ आपके घरों में जो पावर प्लग लगा होता है उस पर भी जीरो वन लिखा होता है अगर गौर से देखा होता है वन का मतलब क्या होता है ऑन दो ही कंडीशन हो सकती है फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं आती है तो एक ऑक्टेट की सारी बिट अगर जीरो हो जाए आठो बिट तो इसकी वैल्यू जीरो होगी डेसिमल और अगर सारी बिट इफ ऑल बिट्स आर वन तो इसकी रिजल्टेंट वैल्यू विल बी टू फिफ्टी फाइव इनडेसिमल इसका मतलब ये हो गया रेंज ऑफ एन ऑक्टेट रेंज ऑफ एन ऑक्टेट विल बी जीरो टू टू फाइव फाइव मिनिमम वैल्यू किसी ऑक्टेट की जीरो हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू दो सौ पचपन नोट करें तो रेंज ऑफ एन ऑक्टेट क्या हो जाएगी जीरो से लेके दो सौ पचपन हो जाएगी मिनिमम जीरो मैक्सिमम दो सौ पचपन हो जाएगी इस स्लाइड पे किसी को कोई कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट के अंदर हो तो पता करें अगली स्लाइड पे चलते हैं no, sure. आप लोगों का नोट हो गया फिर yes, अमर के रेफरेंस से कौन है इसके अंदर इस ऑनलाइन क्लास में अमर के रेफरेंस से कोई है हाँ यस सर मैं हूँ ठीक है ठीक अब ये जो आईपी है ये तो बाइनरी में है अगर बाइनरी में देखें तो जीरो एंड वन ही है तो अगर बत्तीस बार जीरो एंड वन लिखा हो तो बड़ा मुश्किल है कितने भी आप इंटेलिजेंट हो जाए तीन चार नंबर के बाद आपको याद ही नहीं रहेगा कि कौन से नंबर में क्या था कितने जीरो थे कितने वन थे तो कंप्यूटर तो उसी लैंग्वेज में समझेगा लेकिन हमारे समझने के लिए दिक्कत हो जाएगी इसलिए क्या किया एक्सपर्ट ने कि इसका जो डिवाइस में डिप्लॉयमेंट किया जाएगा एलोकेशन किया जाएगा उसका फॉर्मेट डेसिमल एंड डॉट होगा डेसिमल एंड डॉट फॉर्मेट होगा यानी हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो चार ऑक्टेट हैं ये पहला ऑक्टेट हो जाएगा ये दूसरा ऑक्टेट हो जाएगा ये तीसरा ऑक्टेट हो जाएगा और ये चौथा ऑक्टेट हो जाएगा हर एक ऑक्टेट को हमने सेपरेट कर दिया किससे एक डॉट से ऑक्टेट वन ऑक्टेट टू ऑक्टेट थ्री और ऑक्टेट फोर यानी बाइनरी के अंदर डेसिमल के अंदर चार ऑक्टेट होंगे और हर ऑक्टेट को सेपरेट कर दिया जाएगा एक डॉट से और उसकी जगह पे उसकी वैल्यू रख दी गई तो ये आपका जर्नल फॉर्मेट हो गया ये आपका क्या हो गया जर्नल फॉर्मेट हो गया और इसके अंदर टोटल आईपी कितने आते हैं टोटल आई पी वी फोर आते हैं टू की पावर बत्तीस या फोर पॉइंट टू नाइन टेन टू पावर नाइन इतने आई पी एड्रेस या चार अरब उनतीस करोड़ या फोर पॉइंट थ्री बिलियन आई पी एड्रेस वर्जन फोर में मौजूद हैं यानी इतने मशीनों के नाम थियोरटिकली रखे जा सकते हैं लेकिन क्या सारे एड्रेस हमें यूज करने के लिए दिए गए हैं आंसर इज नो यहां से एक नया टॉपिक शुरू होता है जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आई पी फोर क्लासिफिकेशन ऑफ आई पी वी फोर क्लासिफिकेशन ऑफ आई पी वी फोर में इस पहले ऑक्टेट को मल्टीपल क्लासेज में ब्रेक कर दिया गया मल्टीपल रेंज में ब्रेक कर दिया गया उनको किसी क्लास का नाम दे दिया गया क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ए और इसको एक रेंज दे दी गई क्लास ए कहा जाएगा अगर पहला ऑक्टेट ज़ीरो से वन ट्वेंटी सेवन है क्लास बी वन ट्वेंटी एट से वन नाइन्टी वन है क्लास सी वन नाइन्टी टू से टू टू थ्री है क्लास डी टू ट्वेंटी फोर से टू थर्टी नाइन है क्लास ई दो सौ चालीस से दो सौ पचपन है रेस्ट ऑफ दी जो ऑक्टेट होंगे वो जीरो से लेके दो सौ पचपन ही होंगे जीरो से लेकर टू फाइव फाइव तक ही लाई करेंगे तो आपने हमेशा पहले ऑक्टेट को देखना है पहले ऑक्टेट से वी कैन क्लास आइडेंटिफाई कि उसकी क्लास कौन सी है पहला ऑक्टेट क्लास को आइडेंटिफाई करता है कुछ किताबों में ऐसा हो सकता है कि इसकी जगह पर एक से लेके 126 एक सौ छब्बीस लिखा हो रीज़न इज दैट के जो ज़ीरो है इसको कहा जाता है नल आईपी एड्रेस नल आईपी एड्रेस कोई भी नेटवर्क डिवाइस उस आईपी को एक्सेप्ट नहीं करेगी जिसका पहला ऑक्टेट ज़ीरो होगा क्योंकि इसका इस्तेमाल कहीं और किया जाएगा 127 को कहा जाता है लूप बैक एड्रेस लूप बैक एड्रेस इस लूप बैक एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है सेल्फ टेस्टिंग के लिए यानि ये चेक करने के लिए क्या मशीन खुद ठीक है इट फॉर एग्जांपल समझने के लिए अगर हमारे पास ए और बी दो मशीन हो ना ए बी से बात कर पा रही हो ना बी ए से बात कर पा रही हो तो फिर कहां पर इशू कैसे पता लगे इसके बीच में जो ये वायर लगा हुआ है इस वायर को हटा दीजिए वायर को रिमूव कर दीजिए दोनों मशीनें क्या हो गई स्टैंड एलोन मशीन हो गई ए मशीन पे जाइए और यहां लिखिए पिंग और वन ट्वेंटी सेवन जीरो डॉट जीरो डॉट वन यानी ये वाला एड्रेस अगर इसका रेप्लाई मिल रहा है तो ए मशीन ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सिमिलरली मशीन बी से टेस्ट कीजिए वन ट्वेंटी सेवन चूंकि वो मशीन इंडिविजुअली अलोन मशीन है बीच में कोई वायर नहीं लगा हुआ हर एक मशीन का यही आई पी एड्रेस है वन ट्वेंटी सेवन जीरो जीरो मतलब मशीन बी भी ठीक है तो इशू कहाँ पर है तो इसका मतलब जो इशू है वो या तो केबल के अंदर प्रॉब्लम है जो ये लगी हुई है या यहाँ जो कनेक्टर्स हैं वो ठीक नहीं है केबल में प्रॉब्लम है या हमारे कनेक्टर में प्रॉब्लम है अगर केबल भी हमने देख लिया कनेक्टर भी देख लिया फिर भी इशू आ रहा है तो इसका मतलब लैन कार्ड को रिप्लेस कर दो नोट करें no

हो गया नोट ये जो तीन क्लासेस हैं ए बी एंड सी ये ही केवल नेटवर्किंग में यूज की जाती है सारी क्लास नेटवर्किंग में यूज नहीं की जाती क्लास डी का इस्तेमाल मल्टीकास्टिंग में होता है मल्टीकास्टिंग के बारे में आप सी सी आई के अंदर पढ़ते हैं मल्टीकास्टिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि शेयर मार्केट में इसका इस्तेमाल होगा जो भी आप वीडियो स्ट्रीमिंग सुनते हैं नेट के ऊपर यूट्यूब पे या कहीं पर भी वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर इसका इस्तेमाल होता है क्लास ई रिजर्वड है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए के लिए नोट करें <laughs> सबका नोट हो गया अब क्या डिवाइस के अंदर ये नीचे वाले एड्रेस एक्सेप्ट नहीं होते तो डिवाइस के अंदर केवल जो एक्सेप्ट होते हैं वो वन से लेकर और दो सौ तेईस तक ही इंप्लीमेंट होगा क्योंकि यही प्रोग्राम हमने डिवाइस को दिया हुआ है बाकी एड्रेस डिवाइस विल नॉट एक्सेप्ट चेक कर लेते क्या ये बात सही है कि नहीं IP अगर मैंने पहला एड्रेस जीरो लिया, किसने क्या किया? मना कर दिया जीरो से शुरू होने वाला एड्रेस हम नहीं लेंगे हम एक से तेईस दो सौ तेईस ले सकते हैं पहले अपडेट में यानी बाकी नंबर कुछ भी हो यहाँ पे अगर एक सौ छब्बीस भी रख दिया जाए तब भी एक्सेप्टेबल है लेकिन अगर पहला नंबर एक हुआ तो ही मना कर देगा क्यों क्योंकि किसके लिए रिजर्व है 120 से शुरू होने वाला 127 से वो किसमें चला जाता है लू बैक की रेंज में क्लास बी की अगर बात करते हैं तो क्लास बी 128 से और एक तक एक तक है इसमें कोई भी एड्रेस ऐसा नहीं है एक्सेप्ट ना करे 128 भी करेगा स्टार्टिंग आखिर वाला भी करेगा बीच वाला कोई नंबर होगा वो भी कर लेगा क्लास सी स्टार्ट होती है एक सौ बानवे से एक्सेप्टेड है बीच का भी कोई सा भी नंबर लिया जा सकता है और लास्ट वाला दो सौ तेईस भी एक्सेप्टेड है लेकिन अगर आप दो सौ चौबीस लेंगे जो कि मल्टी कास्टिंग का है मना है दो सौ चौबीस से दो सौ उनतालीस तक नहीं जाएगा दो सौ चालीस लेंगे वो भी डिवाइस केवल एड्रेस ले सकती है कौन सा जो कि आपके पास क्लास ए का डॉट वन से लेके और क्लास सी के हाँ तक यही एड्रेस डिवाइस एक्सेप्ट कर सकती है इसके अलावा एक्सेप्ट नहीं करेगी ये मल्टीकास्टिंग में यूज होगा सी सी आई में पढ़ेंगे ये किसी को नहीं दिया इन्होंने। तो अब ये जो आईपी एड्रेस हैं हमें मिलते कहा से आते कहाँ से हमें तो ये मालूम है कि जो आईपी एड्रेस है कोई अगर क्लाइंट है सीवन उसने जो है एयरटेल को कॉल कर दिया इंटरनेट लगाना है एयरटेल वाले आए और वो आईपी एड्रेस देके चले गए इसको घर पे मॉडल राउटर लगा गए इसके कोई दूसरा बंदा कोई इंटरनेट चाहिए उसको भी एक आईपी एड्रेस एयरटेल से मिल गया अब जो सी वन को मिला होगा एड्रेस और जो सी टू को मिला होगा दोनों सेम होंगे कि अलग अलग होंगे जी अलग अलग होंगे सेम होंगे तो फिर रिक्वेस्ट कोई भेजेगा जाएगी क्या? तो जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो आपको जो एड्रेस मिला है ऐसा एड्रेस दुनिया में किसी को नहीं मिला है अदरवाइज तो कोई भी रिक्वेस्ट कहीं चली जाएगी इसी तरीके से दूसरा वेंडर होता है हो सकता है एसीटी हमने एसीटी का नेटवर्क लगा रखा है तो इसके भी अगर मल्टीपल क्लाइंट्स हैं तो इसको भी अलग अलग आई एड्रेस मिलेगा तो जो आई एड्रेस इसके क्लाइंट वन का होगा वो एयरटेल के क्लाइंट वन का नहीं होगा क्यों क्योंकि इन दोनों के ऊपर कोई और अथॉरिटी है जिसका नाम है एपनिक, एपनिक ने ये आईपी एड्रेस इसको अलग रेंज दे रखी है इसको अलग रेंज दे रखी है आईपी एड्रेस क्या है लॉजिकल है तो कुछ रेंज जो एयरटेल को बेची होगी वो एसीटी को नहीं बेची होगी और इसके पास कहां से आया इसके पास आया कहा से आयना से आयना मेन बॉडी है जो जड़ है जो रूट है वो कौन है आयना है ये सारी उसकी ब्रांचेज हैं। आयना ने पूरी दुनिया को पांच लॉजिकल सेगमेंट में पार्ट में डिवाइड कर रखा है एपनिक ए आर आई एन एरिन आर आई पी राइप और भी दो और कर रखे हैं हम जाके देख सकते हैं आयना डॉट आयना डॉट ओ आर जी पे जाके क्या ये बात सही है कि नहीं है देखिए पानी पानी बात आ जाऊंग से देख लीजिए ना डॉट ओ आर जी तो डॉट ओ आर जी में ये आई पी एड्रेस और ए एस एन है यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें ये दिखाई दे जाएगा कि जो वर्जन फोर था ये उन्नीस सौ तिरासी के अंदर डिप्लाई किया गया और वर्जन जो सिक्स है ये एक सौ अट्ठाइस बिट्स का है ये कब किया गया उन्नीस सौ में और आयना ने ये पूरा वर्ल्ड है पूरे वर्ल्ड के पांच लॉजिकल डिवीजन कर दिए हिंदुस्तान कहाँ पे आता है यहां पे यह हिंदुस्तान आता है ठीक है जी यहां पे यह हिंदुस्तान आता है तो हिंदुस्तान किस में आ रहा है एपनिक के अंदर आ रहा है तो जितने भी आईपी एड्रेस हैं उनकी कंट्रोलिंग किसके हाथ में है एपनिक के हाथ में आईना के हाथ में आईना ने ही इन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है क्योंकि हम कहां पर हैं आईना डॉट ओ के पोर्टल के ऊपर तो हमने यहां पे यह देखा कि आयना डॉट ओ कि वर्जन फोर उन्नीस के अंदर और वर्जन सिक्स 1999 में शुरुआत हो चुकी है और सारे आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट जो किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड ये वर्ल्ड को लॉजिकली पार्ट में डिवाइड कर दिया गया एपनिक में एशिया पैसिफिक में हम आते हैं तो जितने भी लोग एशिया पैसिफिक में आते हैं वायलट कलर में वो सारे के सारे एपनिक से क्या पाएंगे ये आपके पास एड्रेस इनको मिलेंगे तो हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो डिस्कशन यहाँ पर था कि इस तरीके से वी आर गेटिंग द आई एड्रेस तो दैट इज दी हायरचिकल मॉडल हाउ वी आर गेटिंग दी आई पी एड्रेस हमें पता लगता है हम एयरटेल से पा रहे हैं लेकिन एयरटेल से नहीं बेसिकली यहाँ से मिल रहा है नोट करना Thank you very much. अब वो हम कनेक्टेड कैसे हैं पूरी दुनिया से क्या हम सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड हैं क्या हम वायरों के थ्रू कनेक्टेड हैं तो अगर हम इंटरनेट पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम लिखते हैं और क्लिक करते हैं तो ये जहां पे हमने वायरों के जाल फैला रखे हैं ये ग्लोब है इसको आप घुमाते रहिए हिंदुस्तान है इसके अंदर ये दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच और एक लोकेशन और भी जुड़ गई है तो यहां पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आपके पास जिस तार पे हमने क्लिक किया उसकी लंबाई कितनी है पच्चीस हज़ार किलोमीटर है किन किन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उनके नाम है तो समुद्र के अंदर पूरी दुनिया पे कनेक्टिविटी है ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू मैक्सिमम ट्रैफिक इसी के थ्रू जाता है सबसे फास्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल ही होती है कॉपर केबल पे नहीं चल सकते नाम सेटेलाइट पे चल सकते हैं क्योंकि हवाओं के आने जाने से सिग्नल जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है तो सबसे ज्यादा जो आपके पास जो क्लियर आपके पास आपके पास सिग्नलिंग है वो किसकी है ऑप्टिकल फाइबर केबल की है, के है। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई चला जाए आगे आईपी एड्रेस दो चीजों से मिलकर बनाए है आईपी वी फोर की बात की जा रही है ये दो चीजों से मिलकर बना है आईपी फोर बत्तीस बिट का होता है थर्टी टू बिट्स का अभी हमने पीछे डिस्कशन किया और ये दो चीजों से मिलकर बना है एक नेटवर्क की बिट और एक होस्ट की बिट दूसरा होस्ट की बिट ये चीज फिक्स्ड है कि 32 बिट का आईपी एड्रेस होगा लेकिन नेटवर्क की बिट और होस्ट की बिट्स कितनी है ये फिक्स नहीं है ये वेरिएबल है ये हर क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगी या हमारी कस्टमाइज अलग अलग होंगी तो कैसे पता लगे कि कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं और कितनी होस्ट की हैं तो एक पैरामीटर बनाया गया जो ये बताएगा कौन सी क्लास में कितनी बिट नेटवर्क की है कितनी होस्ट की है उसका नाम है डिफॉल्ट मास्क डिफॉल्ट मास्क जो है थर्टी टू बिट्स का होता है और ये प्री डिफाइंड होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो लाइनिंग हो या विंडो या वॉट जो भी हो अगर हमने अपनी डिवाइस के अंदर पीसी के अंदर क्लास ए का एड्रेस डाला जिसकी रेंज एक से लेके एक सो छब्बीस है पहले ऑक्टेट में तो उसका मास्क डिवाइस ये कैप्चर कर लेगी थोड़ी देर में वेरीफाई करेंगे क्लास बी का एड्रेस डाला तो उसका मास्क ऑटोमेटिकली दो बार दो पचपन जीरो डॉट जीरो हो जाएगा क्लास सी का कुछ भी आईपी डाला अभी वेरीफाई कराते हैं उसका मास्क ऑटोमेटिकली तीन बार दो हो पचपन डॉट तो यहाँ पे दो पचपन क्या कर रहा है जो टू फिफ्टी फाइव है ये रिप्रेजेंटेटिव है किसके लिए नेटवर्क के लिए दो सौ पचपन का मतलब है आठ बिट का वन हो जाना तो दो सौ पचपन अभी पीछे डिस्कशन किया था कैसे आता है उसका डिस्कशन बाद में करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था सारी बिट वन हो जाए तो क्या होता है दो सौ पचपन सारी बिट जीरो हो जाएं किसी ऑक्टेट की तो आंसर क्या होता है जीरो इन डेसिमल तो अगर सारी बिट वन हो तो दो सौ पचपन होता है इसका मतलब ये डिफाइन कर रहा है क्लास ए के अंदर आठ बिट नेटवर्क की है क्लास बी के अंदर दो ऑक्टेट हैं यानी सोलह बिट नेटवर्क की है क्लास सी के अंदर चौबीस बिट नेटवर्क ही है सिमिलरली जीरो होस्ट को रिप्रेजेंट करता है और एक डेसिमल का जीरो बाइनरी के आठ जीरो के बराबर है एक ऑक्टेट दो ऑक्टेट तीन ऑक्टेट हर ऑक्टेट में आठ बिट इसका मतलब इसके अंदर चौबीस बिट होस्ट की हैं यहाँ पर सोलह बिट होस्ट की हैं और यहाँ पर आठ बिट होस्ट किए हैं तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो क्लास ए के अंदर भी बत्तीस बिट हैं बी के अंदर भी बत्तीस बिट हैं और सी के अंदर भी बत्तीस बिट हैं नोट करें अभी वेरीफाई करते हैं आगे नोट हो गया भाई सारे लोगों का अब इसको वेरीफाई करते हैं क्या ये सही है जो हमने बोला है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए हम यहाँ जाते हैं देखते हैं जाके कि वो क्या बोलता है वर्जन फोर यहाँ पे हमने क्लास ए का एड्रेस डाला क्योंकि क्लास ए कैसे हो गए? पहले ऑफेट में टेन है एक से लेकर छब्बीस मैं माउस से क्लिक कर रहा हूं यहाँ पर नीचे इसने खुद ले लिया मास्क मैंने दिया नहीं है सिमिलरली क्लास बी का कोई सा भी नंबर माउस से मैंने क्लिक किया इसने खुद ले लिया यानी पहले से इसको प्रोग्राम कर दिया गया है इस काम के लिए क्लास सी का कोई सा भी नंबर हमने लिया क्लिक किया क्लियर तो एक काम तो इसका यह है कि जो किताबों में सी सी एन ए की लिखा हुआ है कि भाई ये नेटवर्क की बिट और होस्ट की बिट को डिफाइन करता है लेकिन जब हम सी सी आई की किताब पढ़ते हैं तो एक नई चीज समझ में आती है कि इसका कोई दूसरा भी यूज है ए एन डी आई एन जी एंडिंग प्रोसेस इसका डिस्कशन सीसीआई की किताब में नहीं है इसका क्या फंक्शन होता है एंडिंग प्रोसेस का हमने जो आईपी एड्रेस डिवाइस पे डाला है ये आईपी एड्रेस वो चाहे वर्जन फोर का हो सिक्स का हो ये बराबर है आपके नाम के जो आपका नाम है अगर किसी को आपका केवल नाम मालूम हो और आप क्लास में अनाउंसमेंट कर दें कल भी मेरी बर्थडे है कल पार्टी है घर पे आ जाओ सारे और इतना करने के बाद अपने को जूम आईडी से अलग कर लिया या फोन कट कर दिया तो क्या वो सारे लोग आपके घर पहुंच जाएंगे आपने केवल अपना नाम बताया है घर की इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपने पीसी पे क्या किया है अभी तक केवल नाम दिया है जो हम कहते हैं किसी ब्राउजर पे जाते हैं कई तो बार आपके सामने चले गए केबल कनेक्शन पे चले गए वहाँ चले गए यहाँ चले गए तो ये हमारी जो पीसी है हमें यहाँ पे लेके कैसे चलेगी कभी सोचा कैसे लेके चली गई यहाँ पे हमने तो इसको ऑर्डर दिया है ना इंस्ट्रक्शन दिया ना काम करो ढूंढ के लाओ वेयर इज आई डॉट ओ आर जी तो ये तो हमारे लिए नाम दिया गया ना इस नाम पे तो काम ही नहीं होता ना काम किस पर होता है बैकग्राउंड में हर एक का क्या होगा एक आईपी एड्रेस होगा अगर आप आयना डॉट ओ को पिंग करोगे तो आपको कुछ आईपी नज़र आएगा अगर हम यहाँ से पिंग करते हैं पिंग आई एन ए डॉट ओ अगर पिंग बंद ना किया हो तो उसने नहीं किया आयना का नंबर क्या है ये है ये इसको एलोकेट किया हुआ है अगर हम नंबर से बात करते यहाँ पे नंबर डालो तो याद करना क्या हो जाता मुश्किल हो जाता नंबरों को याद करना मुश्किल काम है नाम को याद करना आसान है तो यूजर फ्रेंडली के लिए हम क्या करते हैं उसको नाम में कन्वर्ट कर देते हैं हम रिक्वेस्ट नाम में भेजते हैं फिर एक टर्म होता है इसको बोलते हैं डी ये ग्लोबल डी है डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम इसका काम क्या होता है कि ये नाम को आईपी में और आईपी को नाम में कन्वर्ट कर देता है हम जब उसको नाम बताएंगे तो कन्वर्ट किस में कर देगा आईपी के अंदर रिक्वेस्ट किस पे जाएगी आईपी पे क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं समझता कि नाम क्या वाला है तो यहाँ पे हमने डिवाइस को केवल नाम दिया लेकिन आयना पे जाना है तो आयना का एक आई भी होना चाहिए चलो आई पी वहां से मिल जाएगा अगर हम लिखेंगे आयना तो वो डी करके दे देगा एक आईपी मिल जाएगा लेकिन वो आईपी मिलेगा कहां पे? क्लास में कोई भी बंदा है ये चाहे अफसान हो या आपके पास वर्मा हो इसने कहा कल घर पे आ जाना दावत है तो ये मिलेगा कहां पे भी कैसे पता लगेगा तो वो टेक्निकल जो टर्म है जिसको हम पता बोलेंगे घर का वो नेटवर्किंग की फील्ड में क्या होगा नेटवर्क आईडी एक टर्म है आईपी एड्रेस ये बीचे समझा दिया गया होता है एक यूनिक आईडी है बत्तीस की होती है चार ऑक्टेट होते हैं इस शक्ल में लिखा जाता है दूसरा टर्म है नेटवर्क आईडी पता यानी इस नाम का बंदा कहाँ मिलेगा उसका पता ये है. अब मान लो उसने एड्रेस भी आपको दे दिया जिसके घर आपको जाना था और उसका घर ये है उसका घर ये है ये उसका घर है जहां आपने जाना है जिससे आपने मिलना है वो घर के अंदर है जिन लोगों को दावत पर बुलाया गया है वो ये सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं ये घूमते फिरते घूमते फिरते इसके घर के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। जिस वक्त इसने बुलाया था इसके पास टेलीफोन नहीं है इसके घर में बिजली नहीं है आप दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं इसको कैसे पता लगेगा आप बाहर आ गए बाहर वाले नॉक करेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ो अपनी लैंग्वेज में तो समझ में आएगी ये क्या करेंगे इसको नॉक करेंगे यानी आवाज देंगे वो जिस लैंग्वेज में दें खटखटा के दें आवाज दें इस आवाज का नाम होता है ब्रॉडकास्ट आईडी ये तीन चीजें इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि अगर कोई बंदा इंडस्ट्री में काम कर रहा है और उसको इन तीन चीजों में डिफ्रेंशियट करना नहीं आता तो और उसको नौकरी भी मिल रही है पैसे भी आ रहे हैं तो उसकी वजह से नहीं आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं उसके घर में उसके माँ बाप हैं उसके बहन भाई हैं बी बच्चे हैं उनका खर्चों पर वाले ने चलाना है ये तो नाकारा इंसान है बात तो समझ में आ रही है जिसको इन तीन चीजों का ही डिफरेंशिएशन ना पता हो कि आई एड्रेस कौन सा है

अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नेटवर्क आईडी का यानी यहां पर एंडिंग जो प्रोसेस है इसके थ्रू क्या होगा वी कैन कैलकुलेट नेटवर्क आईडी यानी एन आई डी वी कैन कैलकुलेट नेटवर्क आई डी विद दी हेल्प ऑफ विद दी हेल्प ऑफ एंड गेट अब एंड गेट क्या होता है ये एंड गेट का सिंबल होता है डी बनाया उसकी दो पैरल लाइन बना दी है कि यहां बना दी इसको बोलते हैं एंड गेट इसको बोलते हैं एंड गेट इसको एक्स मान लीजिए इसको वाई मान लीजिए इसको जेड मान लीजिए जेड बराबर होता है एक्स इंटू वाई के या वाई इंटू एक्स के जब कभी भी कोई भी आईपी एड्रेस फॉर एग्जाम्पल वन नाइन कौन सी क्लास का आईपी है का, जब ये पी पे अप्लाई करोगे और मास्क अगर आप ना दो तो अभी आपने देखा था उसने क्या किया था खुद ले लिया था क्लिक करती तो ये डिवाइस क्या करेगी कि इस वाले को लेट से उसने एक्स पे लगा दिया और इसको किस में लगा दिया उसने वाई पे लगा दिया और ये क्या होगा आगे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे ही बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि एंड गेट क्या समझेगा केवल बाइनरी को इसकी आउटपुट जो होगी वो क्या होगी एक्स डॉट वाई या वाई डॉट एक्स अब आपने क्लास सेकंड में मैथ पढ़ा है सबने चाहे इंजीनियरिंग पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है अगर 0 की गुणा 0 से करें तो क्या आएगा और 0 की गुणा 1 से करें तो और 1 की गुणा 0 से करें तो है? और वन की गुणा वन से करें तो इसी का नाम एंड गेट है जिसको इंजीनियरिंग के अंदर हम जानते हैं टी आर यू टी एच ट्रुथ टेबल के नाम से तो स्टूडेंट कहते हैं जी हमने तो इंजीनियरिंग पढ़ा नहीं इसलिए तो हमारी समझ में तो आती नहीं तो समझने की जरूरत नहीं है सेकंड क्लास का मैथ है यहां यहाँ पर एक्स है वाई है यहां जेड है जब ये कन्वर्ट होगा 199 तो जीरो और वन की शक्ल में होगा कैसे कन्वर्ट होगा थोड़ी देर में देखते हैं तो ये सारे के सारे जीरो वन में कन्वर्ट हो जाएंगे जब कॉम्बिनेशन जीरो जीरो आएगा तो ये जीरो हो जाएगा जीरो वन पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा वन जीरो पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा वन वन पे क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो बोथ आर इक्वलेंट तो आप भूल जाइए कि आपने इंजीनियरिंग किया कोई जरूरत नहीं इंजीनियरिंग करने की सेकेंड क्लास सबने पढ़ा है तो वेन एवर यू विल अप्लाई एनी आई एड्रेस अगर आप मास्क ना दें तो खुद ले लेता है क्यों ले लेता है क्या करने के लिए नेटवर्क आईडी पता करने के लिए नेटवर्क आईडी क्या है घर किसका आईपी एड्रेस का आप यहां से जाओगे तो कहाँ जाओगे घूमते रहोगे दुनिया में कहीं जाओगे यहाँ से घर जाओगे वो आप चूंकि फिजिकल बॉडी है तो फिजिकल घर है आईपी एड्रेस क्या है एक लॉजिकल है तो उसका क्या होगा लॉजिकल कहीं स्पेस होगा जिसका नाम नेटवर्क आईडी है तो ये एग्जाम्पल मैंने यहां दिया ये एग्जाम्पल भी नोट करें और ये भी नोट पहले ही नोट कर लें उसके बाद एग्जाम्पल नोट करें तो मास्किंग का दूसरा काम ये है कि आईपी एड्रेस का घर फाइंड आउट करके देना वेयर इज द हाउस ऑफ द आईपी एड्रेस है जी हाँ वी कैन कैलकुलेट नेटवर्क आई डी एन आई का मतलब नेटवर्क आई यानी घर विद दी हेल्प ऑफ दी एंड गेट ये जो एंड गेट है इसकी मदद से क्या कर सकते हैं घर का पता कर सकते हैं जब कभी भी आप पीसी पे आईपी दोगे वो आईपी नहीं लेगा जब तक कि मास्क ना दो नहीं दोगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद ले लेगा जो आपने देखा अभी और अपना घर खुद पता कर लेगा कि मेरा घर कौन सा है आप देखते हो कि हर एक जानवर भी क्या करता है अपना घर तलाश कर लेते हैं जी बिल्ली है उसको कहीं ले जाके छोड़ दो तो दूसरी जगह आपके इलाके में ना हो कि हो तो क्या करेगी दूसरी जगह पे अपना स्पेस घर था तलाश कर लेगी परमानेंट ठिकाना बन रहेगी तूफान आया पेड़ के ऊपर छड़िया बैठी थी पेड़ टूट गया तो आप क्या करें घर नहीं बसाएंगे वो अपना कहीं और जाए घर बसा लेंगे जाके है जी तो ऐसे ही मैंने वाली अप्लाई दी आई पीड एस दी आई नेटवर्क डिवाइस दे विल कैलकुलेट दी नेटवर्क आई डी With the help of यहां तक किसी का कोई सवाल है जितना पढ़ाया है रिलेटेड टू दी उसके जो हमने पढ़ाया है तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि कोई चीज समझ में नहीं आई हो आपको पढ़ाने का तरीका यही रहेगा जो क्लास की जा रही है उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है ये क्लाउड पे डाल दिया जाएगा इस क्रेडेंशियल आपके बना दिए जाएंगे जब तक आपका कोर्स चलेगा ये क्रेडेंशियल आपके पास रहेंगे और एक महीना और एक्सटेंड कर दिए जाएंगे कोर्स ख़त्म होने के बाद अब एक बंदा मेरे से भी पढ़े तीन महीने वीडियो भी सुने उसके बाद भी समझ नहीं आए तो उसको नेटवर्किंग छोड़ देनी चाहिए कोई फायदा नहीं क्योंकि जिंदगी भर सी नहीं पढ़ना है सी तो उन्नीस सौ सत्तानवे में आया था आज नहीं आया है हर छह महीने में नई टेक्नोलॉजी पैदा हो जाती है लैब के लिए भी आप घर से बैठ के भी लैब कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर हमारी लैब्स पड़ी हैं सबके पास अपने लैपटॉप होने चाहिए लेकिन अभी लैपटॉप तीन दिन के बाद चाहिए होंगे अगले मंडे से लैपटॉप चाहिए होंगे उससे पहले लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है सी सी एन ए का फीस बारह हज़ार रुपये है पढ़ाने का तरीका देख लिया है जिन लोगों को समझ में आता हो वो अपनी पेमेंट कैसे जमा करनी है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं डबल नाइन वन ज़ीरो ट्रपल वन सिक्स फोर वन ये आमिर सर का नंबर है पेमेंट के रिगार्डिंग इनसे आपने बात करनी है ए एम आई आर कल जिन लोगों की पेमेंट आएगी उन्हीं की हम क्लास लेंगे अदरवाइज हम क्लास नहीं लेंगे जो क्लास दी गई है ये फुल फ्लैश क्लास दी गई है इसी के आगे से कंटिन्यू क्लास होगी ये स्लाइड नोट हो गई भाई सबकी जी भाई ऑनलाइन वालों क्लास नोट हो गया सबका ये स्लाइड नोट हो गई यस सर सर जी अगली स्लाइड नोट करेंगे ये लास्ट स्लाइड है आज की सारी चीजें आसान है मेहनत करनी है बार बार लिख लिख के पढ़ना है तो याद होगा देखते रहोगे वीडियो को तो कुछ नहीं होगा जितनी बार पढ़े उतनी बार लिखने की कोशिश करें इफ यू है टाइम